धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है। कौन आ रहा है, किसकी आहट सुनाई दे रही है? नए साल की 2021 का वो चैलेंजिंग भरा साल, इतने उतार चढ़ाव हम सभी ने देखे। बीमारियां, नौकरियों का जाना, हाथ का टाइट होना यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स में कटुता, जाने क्या क्या हमने सहा है। अब 2021 के खत्म होने का समय है और 2022 के शुरू होने का समय आ गया है, इसलिए दिल धड़क रहा है। अब क्या होगा, अगला साल क्या लेकर आ रहा है, कैसा होगा हमारा नया साल 2022। जैसे ही नए साल के आने की आहट होती है, हर किसी के मन में एक उमंग उठती है, ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि हमारा नया साल हमारे भाग्य में क्या शुभता लेके आ रहा है। जो काम अभी तक नहीं हुए थे, जो रुके हुए काम थे, वो अब कैसे पूरे होंगे। तो चलिए, हर किसी की तमन्ना, हर किसी की उमंग में रंग भरते हैं, हर किसी की उमंग में रंग भरते हैं, तमन्नाओं की पूर्ति करते हैं और बताते हैं कि आपके भाग्य में नया साल क्या लेकर आ रहा है। हम करने जा रहे हैं लकी नंबर्स, मूलांक 1 से लेकर 9 तक, आपकी जन्म तिथि पे आधारित, न्यूमरोलॉजी के आधारित आपका भाग्यफल। तो हम हर मूलांक को लेंगे, हर लकी नंबर को लेंगे। लकी नंबर कैसे लेंगे, आपका जो पहला जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपका लकी नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो आप आसानी से जान जाएंगे। उसके बाद में जैसे कि 10, तो 10 में 0 की कोई पावर नहीं होती, तो एक नंबर ही उसको कहलाया जाएगा। 11 में 2 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 12 में 2 और 1, तो 2 + 1 करेंगे तो वो 3 लकी नंबर हो जाएगा। 13 में 3 और 1 को हम प्लस करेंगे तो वो 4 मूलांक हो जाएगा। ऐसे ही हर नंबर को हम जोड़ देंगे तो आपको अपना लकी नंबर यानी कि आपका भाग्य मूलांक आपको पता चल जाएगा, और उसी के मुताबिक अकॉर्डिंगली आप अपना भाग्यफल देख सकते हैं। साल 2022 में किस मूलांक वाले को मिलेगा क्या शुभ, और किस मूलांक वाले को मिलेंगे चैलेंजेस, ये जांचेंगे, परखेंगे, उनके उपाय भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कठिनाइयां आती हैं तो उनका सॉल्यूशन नहीं आता, ऐसा नहीं होता। हर रात का सवेरा होता है, विंटर ऑलवेज चेंजेस टू स्प्रिंग। रात है तो सुबह सवेरा सूरज देवता तो दर्शन देंगे ही, ऐसे ही हर कठिनाई, हर चैलेंज का हमें उपाय भी होता है। थोड़ा सा उपाय, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा मेहनत आपके मुश्किल समय को भी खूबसूरत बना देता है। वर्ष 2022 के अंकों का अगर कुल करते हैं, जैसे कि 2022 उसको प्लस करते हैं, तो उसका मूलांक आता है 6। तो 2022 का जो लॉर्ड है वो है 6 मूलांक, और नंबर 6 वालों के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं वीनस, शुक्र, दैत्यों के गुरु, जो कि आपको ऐश्वर्य
आपको समृद्धि, क्रिएटिविटी, लव, रोमांस, लव अट्रैक्शन, मैरिजेस, रिलेशनशिप्स, हर चीज का सुख देते हैं। अब देखते हैं हर मूलांक के साथ 2022 का क्या रिश्ता रहेगा, यानी हर मूलांक के लॉर्ड के साथ 2022 यानी कि वीनस शुक्र का किस तरह का जो है तालमेल रहेगा, कंपैटिबिलिटी रहेगी, और हर मूलांक वाले लोगों को क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या शुभता आएगी और उनको किन चीजों का ध्यान रखना होगा, तो ये जानेंगे हम अपने इस प्रोग्राम में। किसी भी महीने की 9-18 या फिर 27 तारीख को अगर आपका जन्मदिन आता है तो आपका मूलांक है 9, आपका लकी नंबर है 9, और लकी नंबर 9 मूलांक 9 के जो लॉर्ड है वो है मंगल देवता, ओजवान। और 2022 जो है इनका लकी नंबर है 6 यानी कि 6 नंबर, 6 मूलांक है, तो इनके लॉर्ड है वीनस शुक्र। अब वीनस में और मार्स में दोस्ती नहीं है, इन दोनों में दोस्ती नहीं है। अब क्योंकि इन दोनों में दोस्ती नहीं है तो 9 नंबर वाले के लिए क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं और क्या अच्छा रहने वाला है। देखिए जो 9 नंबर वाले होते हैं ये बड़े रोमांटिक होते हैं, ये होते ही रोमांटिक हैं। अब वीनस का साल है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, अवैध संबंध हो सकते हैं, अवैध पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं काम में, लेकिन वो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके लिए सही क्या है। क्योंकि मंगल दोस्त नहीं है लेकिन फिर भी वीनस जब उनके पास आता है तो वो एक अट्रैक्शन उनमें पैदा होती है, लस्ट जिसको कहते हैं, वो अट्रैक्शन पैदा होती ही होती है, वो थोड़े टाइम के लिए होती है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती, इसलिए आपको मौके बहुत मिलेंगे बट उसका चयन, मौकों में से सही आपके लिए क्या है उसका चयन आपको करना होगा। मंगल एक मार्स जो एक 9 नंबर वाले जो है गुस्से वाले होते हैं, लेकिन उनका गुस्सा क्या आता है, एकदम से गुस्सा आता है और दूध के उफान की तरह आता है और एकदम शांत भी हो जाता है। इसी से क्या है, जो वीनस है बहुत कोमल है तो रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, मल्टीपल वो वाले रिलेशनशिप्स अलग हैं, ये जो आपके संबंध हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं या आपके जो पहले से रिलेशनशिप चले आ रहे हैं या कुछ एक अच्छे कहते हैं ना एक सच्चे रिलेशनशिप्स भी अगर हो रहे हैं तो आपके गुस्से की वजह से वो रिश्ता खराब हो सकता है। जबान पे आपको बहुत कंट्रोल करना है, गुस्से ईगो के ऊपर आपको बहुत कंट्रोल करना है। मंगल वाले हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, नाउ, 9 मींस नाउ, नाउ अभी चाहिए, अभी चाहिए, इस जिज्ञासा को कंट्रोल करना है। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, खूब सारा ढेर सारा पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी की बोतल में कांच की बोतल लीजिए, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डालिए, पानी वही पीजिए जिससे कि आपका चित्त शांत रहे और अंदर जो गर्मी है ना वो भी शांत रहे, ताकि आप 2022 को एंजॉय कर सकें। अब सही चयन आपको करना है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हेमोग्लोबिन, या फिर चोट चपेट लगने के बहुत चांसेस होते हैं, तो आपको क्या करना है, ब्लड डोनेट करना है। आपको टाइम टाइम पे ब्लड डोनेट करते रहिए,
किसी भी ऑर्फनेज में जाके किसी भी बच्ची की आप पढ़ाई का जिम्मा ले लीजिए, फीमेल्स की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए। आपकी जितनी भी बाधाएं हैं सारी दूर रहेंगी, गुस्सा आपका कंट्रोल में रहेगा। और जो कुछ सच्चे रिलेशनशिप हैं उन्हीं की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बाकी तो आते जाते रहेंगे, उनकी तरफ भी आपको पूरा अपना कंप्लीट जो है ना, उनके ऐसे नहीं कि पीछे पीछे चल पड़े, मत करिएगा, नहीं तो धोखा खाएंगे या कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है। हेल्थ का खासा ध्यान रखना है, गुस्से में आके आपके काम खराब हो सकते हैं, इसलिए जो भी बोलें उसको कंट्रोल करके बोलिएगा, कुछ भी मत बोलने, क्योंकि ये आपकी एक प्रवृत्ति है। अव्वल आप सोच समझ के नहीं बोलते, तो सोच समझ के बोलना है। कोशिश करिए हल्के रंगों का प्रयोग करें, ज्यादा लाल पीले भड़कीले रंगे जो हैं आपको वो सूट इस साल नहीं करेंगे। तो ये था हमारे नौ नंबर वालों के लिए, जो कि नाव चाहते हैं, तो नाव से थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दीजिए, गो विद द फ्लो। जल्दबाजी में अपने काम आप खराब कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी के लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, देखते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और खुश रहिएगा। हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।